यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो लेविस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करता है। वैसे ही लेविस बेस क्या करता है, डोनेट करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करता है। तो इसमें हम लोगों को क्लासीफाई करना है कि कौन लेविस एसिड है और कौन लेविस बेस है। तो फर्स्ट बात करते हैं ओ एच माइनस का, ओ एच माइनस। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो पता, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेटिंग का काम करता है, डोनेट करता है। तो इसी डोनेशन के कारण इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेविस बेस हो जाएगा ये। सेम हम लोग बात करते हैं फ्लोराइड आयन का, फ्लोराइड आयन में क्या होते हैं, फ्लोरीन का, उसमें फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो ये क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम कर सकता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड दिया हुआ है एच प्लस का। एच प्लस में क्योंकि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। सेम यहाँ पे BCl3 का कॉन्सेप्ट है। BCl3 में यहाँ पे बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करेगा। इसलिए भी क्या हो जाएगा, लेविस एसिड।